दोस्तों आरसीबी का आईपीएल में सफर खत्म हो चुका है। जिस तरीके से केकेआर के हाथों एक रन से करीबी हार उन्हें मिली, उसके बाद ऐसा नहीं लगता है कि आरसीबी की टीम यहां से प्लेऑफ्स के लिए तो क्वालिफाई नहीं करने वाली। लेकिन आज बात आरसीबी के हार या जीत की नहीं होगी, किस तरीके से वो मुकाबला हारे, कहां हारे, इसको लेकर बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बातचीत हो रही है या जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो हर तरफ सोशल मीडिया पर एक तरीके से ज्वालामुखी बनकर फटा है, वो है विराट कोहली का वो डिसमिसल, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। किस तरीके से वहां पर हर्षित की गेंद थी, विराट कोहली उसको खेलते हैं, ऐसा लगता है कि वो पहले विजुअल में कि बहुत ज्यादा वेस्ट हाइट के ऊपर आती है। लेकिन पहले तो क्या होता है कि ग्राउंड अंपायर उसको पहले तो आउट देते हैं, उसको नो बॉल करार कोई नहीं देता वहां पर। विराट भी काफी हैरान होते हैं, विराट नो बॉल का रिव्यू लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ग्राउंड अंपायर जो है वो थर्ड अंपायर को रेफर करते हैं। अब थर्ड अंपायर ने भी इसको फेयर डिलीवरी करार दे दिया, और फिर उसके बाद विराट भी काफी ज्यादा हैरान थे। विराट ने काफी बहस भी की वहां पर ग्राउंड अंपायर से। मैच खत्म होने के बाद भी कोहली कुछ समझाते हुए नजर आए वहां पर अंपायर से कि किस तरीके से शायद अंपायर से कहीं ना कहीं वो चूक हुई, कहीं ना कहीं वो गलती हुई, जिसका खामियाजा शायद आज आरसीबी की टीम को भुगतना पड़ गया। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर वहां पर असल में हुआ क्या था, क्या कारण था कि रूल के मुताबिक कहीं ना कहीं अंपायर ने जो फैसला सुनाया अकॉर्डिंग टू रूल वो सही था, लेकिन क्या वो चूक हुई, क्या वो थोड़ी सी गलती हो गई वहां पर अंपायर से। शायद उस चीज को अगर देखा जाता, समझा जाता, तब शायद विराट कोहली के केस में डिसीजन कुछ और हो सकता था। क्योंकि बहुत से क्रिकेटर्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इसको लेकर अलग अलग राय रखी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो कॉमेंट्री के दौरान ये तक बोल दिया था कि मैं डंके की चोट पर बोलने को तैयार हूं कि विराट कोहली का जो आउट था वो आउट नहीं थे, वो नॉट आउट थे और वो 100% नो बॉल ही थी। तो जी देखिए, हमारे हाथ में है ये बल्ला, हमने ये बल्ला मंगा लिया है और आपको बताएंगे कि इस रूल में जो ये नो बॉल का रूल है, जो इस रूल को बनाया, उस रूल में बेसिक चीजें क्या है। सबसे पहले तो ये है कि आपको देखना होता है एज अ बैटर, एक अंपायर के तौर पर अंपायर को ये देखना होता है कि बैटर की पोजीशन कहाँ है, बैटर कहाँ पे खड़ा है। अब रूल के मुताबिक ये है कि जो पॉपिंग क्रीज होती है, जो पिच की पॉपिंग क्रीज होती है बैटर की, तो उसका जो पोजीशन होना चाहिए, बैटर का पोजीशन जो होना चाहिए वो पॉपिंग क्रीज के पास होना चाहिए। और उसमें भी एक पिच ये है कि वो अपराइट होना चाहिए। जैसे अगर मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो मेरी ये पोजीशन है, ये अपराइट की पोजीशन है। अब नॉर्मली बैटर्स क्या करते हैं, वो थोड़ा सा झुक के खड़ा रहते हैं, ये उनकी स्टांस, ये उनका स्टांस होता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहते हैं। लेकिन आप जो मेजरमेंट करते हो वो इस पोजीशन से नहीं करते, आप मेजरमेंट करते हो ऐसे अपराइट, ये अपराइट वाली पोजीशन से मेजरमेंट होती है। और इसके बाद जो बॉल आ रहा होता है तो वो देखना होता है क्या वो डिप कर रहा है या वो सीधा आ रहा है। तो अगर इस केस में, जैसे मेरे केस में अगर मैं अपराइट हूं तो बॉल जो है अगर मेरे कमर से अगर ऊपर आती है, कोई भी सपोज यहां में लग रही है बॉल, यहां लग रही है, तो ये क्लियरली नो बॉल होगा अकॉर्डिंग टू रूल। बट विराट के केस में क्या था, इसमें एक पेच ये है कि बैटर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विराट कोहली क्रीज में खड़े नहीं थे, विराट अपने क्रीज से तकरीबन मान के चलो आप 1 से 1.5 मीटर आगे थे, एक से डेढ़ मीटर वो आगे खड़े थे और उनकी पोजीशन हालांकि थोड़ी सी विराट की पोजीशन बेंड थी। और जब बॉल का एक तरीके से मीट हुआ वहां पर तो विराट थोड़े से खुद भी चौंक गए थे, क्योंकि उनकी पोजीशन अचानक से वो खड़े भी हो गए तो काफी ज्यादा ऊपर आ गया उनका। और जो पोजीशन हुई थी बॉल का, जो कॉन्टैक्ट था वो, एक तो बल्ला उनका बहुत आगे था और बॉल का कॉन्टैक्ट जो था वो उनके वेस्ट से तकरीबन 1 से 1.5 फुट ऊपर लगा। जो बॉल का कॉन्टैक्ट था वो था 1 से 1.5 फुट ऊपर। अब इस 1 से 1.5 फुट ऊपर होने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल डिलीवरी आ रही है, बॉलर की जो डिलीवरी आ रही है और वो जो उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो उनके वेस्ट से ऊपर है, जहां पर विराट कोहली खड़े हैं। लेकिन अंपायर ने रूल के मुताबिक ये पाया कि जब वो बॉल क्रीज के पास जाती तो वो डेविएट करती, वो थोड़ा सा डिप करती। हर्षित राणा ने जो स्लोअर वन डाला वो अकॉर्डिंग टू रूल, अंपायर्स ने जो ट्रेजेक्ट्री देखा उसमें ये पाया गया कि वो जो मीटर था, वो जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करती बॉल, वो पड़ती 0.92 मीटर की। मतलब जब अगर विराट कोहली सपोज यहाँ पे खड़े होते, विराट कोहली पॉपिंग क्रीज पे खड़े होते, उस बॉल को फेस कर रहे होते, तो जो बॉल की एंगल का जो एलिवेशन था वो पड़ता 0.92 मीटर। अब क्योंकि आईपीएल में एक नया रूल है, आईपीएल में इस तरीके से चीज़ें देखी जा रही है नो बॉल को लेकर, कि यहाँ पर हर एक प्लेयर का वेस्ट हाइट नापा जा रहा है। अब विराट कोहली की जो वेस्ट हाइट है वो है 1.04 मीटर, विराट की वेस्ट हाइट है 1.04 मीटर अगर वो अपराइट खड़े होते हैं, जैसे कि अभी मैं खड़ा हूं। तो अगर सपोज ये विराट कोहली खड़े हैं तो उनकी वेस्ट हाइट है 1.04 मीटर, लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो बॉल डिप करके आ रही है, वो आ रही है 0.92 मीटर। यानी इस हिसाब से वो एक फेयर डिलीवरी होती अकॉर्डिंग टू रूल एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन गलती कहां पर हुई, यहां पर एक बेसिक गलती ये हुई कि जब विराट कोहली 1.5 मीटर आगे खड़े थे तो विराट कोहली जब बॉल को मीट कर रहे थे तो सबसे पहले कि जो उनका टो जो था वो ग्राउंडेड नहीं था, उनका टो था ऊपर और बॉल का जो मीटअप पॉइंट था वो भी था उनके कमर से काफी ऊपर। तो अगर आप अपराइट पोजीशन की बात कर रहे हैं तो अपराइट पोजीशन में विराट कोहली की वेस्ट हाइट है 1.04 मीटर,
लेकिन अगर विराट यहाँ पे पॉपिंग क्रीज पे होते तो विराट उस, अगर सोचो कि आप वो यहाँ पे अपराइट पोजीशन में भी आ रहे हैं लेकिन उनका टो ऊपर जा रहा है, यानी कि वेस्ट हाइट जो है 1.04 मीटर नहीं होती। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वेस्ट हाइट थोड़ी सी ऊपर जाती, 1.05 1.06 के आसपास जाती, और यहीं पर कहीं ना कहीं वो चूक हुई है जो एंगल ऑफ एलिवेशन की हम बात कर रहे हैं कि जो बॉल मीटअप हो रही है क्रीज पे, जो बॉल का मीटअप हो रहा है वो कहीं ना कहीं 0.92 मीटर नहीं जाता। ये थोड़ी सी चूक हुई है क्योंकि विराट कोहली का जो पोजीशन था वो थोड़ा सा वो ऊपर को थे, वो ना वो अपराइट थे ना वो झुके हुए थे, वो ऊपर थे और बॉल का मीटअप बहुत ऊपर हुआ था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री के दौरान बताया कि ये गेंद जो है वो 1 से 1.5 फुट ऊपर मीट कर रही थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं अंपायर को ये देखना चाहिए था कि विराट की एक्चुअल पोजीशनिंग क्या थी। अगर वो बाहर भी थे तो विराट का पोजीशन क्या था, बल्ला बाहर था, बल्ला बहुत ज्यादा आगे था, लेकिन विराट की पोजीशन भी ऊपर थी, विराट स्ट्रेट नहीं खड़े थे, विराट अपराइट नहीं खड़े थे। ये कहीं ना कहीं चूक हुई है वहां पे अंपायर से और थोड़ा सा ये इसने कहीं ना कहीं आरसीबी को कॉस्ट किया। हालांकि रूल के हिसाब से अगर आप बात करें तो जो ये नया रूल बनाया गया है जहां पे आप हर एक प्लेयर का वेस्ट साइज ना वेस्ट देखते हो, हाइट देखते हो, उसके हिसाब से आप नो बॉल देते हो नहीं देते हो, तो उसके हिसाब से तो रूल के अकॉर्डिंग अंपायर कहीं ना कहीं सही थे। थर्ड अंपायर ने जो फैसला सुनाया वो सही सुनाया, लेकिन आपको वहां पर मीटअप पॉइंट देखना जरूरी था। ये कहीं ना कहीं गलती हुई है वहां पर थर्ड अंपायर से और इसका खामियाजा आरसीबी को थोड़ा बहुत भुगतना पड़ा है, क्योंकि अगर मीटअप पॉइंट ऊपर रहता है तो इसका मतलब डेविएशन इतना ज्यादा डिप नहीं करेगा, क्योंकि ना तो वो बहुत ज्यादा आगे खड़े थे, वो 1 से 1.5 मीटर आगे खड़े थे। 1 से 1.5 मीटर अगर आप आगे खड़ा रहोगे इतना ज्यादा बॉल डिप नहीं कर जाएगा कि अगर विराट की वेस्ट हाइट है 1.04 मीटर तो बॉल का एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा 0.92 मीटर, जबकि वो खुद उनकी पोजीशनिंग अभी आप देखो अपराइट नहीं थी, तो विराट अपराइट भी नहीं खड़े थे जब बॉल का मीटअप हुआ, विराट अपराइट नहीं खड़े थे, पॉइंट नंबर वन। और यही विराट कोहली समझा रहे थे मैच के बाद, जो उनकी बहस हुई, जो अंपायर से उनकी बातचीत हुई, विराट यही समझा रहे थे कि वो जो थे जब वो बॉल का मीटअप कर रहे थे सबसे पहले तो उनका जो बॉल के समय का जो पोजीशनिंग था वो अपराइट नहीं था। अपराइट होता मैं कहता कि बिल्कुल ये डिप भी कर सकता था बॉल, लेकिन अपराइट नहीं था, विराट बहुत ज़्यादा पहले तो टो उनका ऊपर था और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हाइट में एडजस्टमेंट भी आपको देखनी पड़ती है। तो अंपायर से, थर्ड अंपायर से इस ये रूल के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप कहोगे कि शायद विराट कोहली आउट थे, लेकिन अगर आप ग्राउंड अंपायर की बात करो तो नेकेड आई से हर किसी को दिख गया था कि विराट कोहली की पोजीशनिंग पहली बात तो अपराइट नहीं थी, दूसरी की बहुत ज़्यादा खड़े थे। हालांकि इस मुद्दे पर हर किसी का अपना अपना राय है, कोई विराट को आउट मान रहा है, जैसे इरफान पठान ने बोला कि मेरे हिसाब से तो ये विराट कोहली क्लियरली आउट थे, ये एक फेयर डिलीवरी थी। लेकिन ज़्यादातर क्रिकेट फ्रेटर्निटी से जो बातें निकल कर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि विराट वाली जो गेंद थी वो नो बॉल थी, उसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे पर आप सभी का क्या कहना है, क्या विराट आउट थे, नॉट आउट थे, क्या इसको फेयर डिलीवरी माननी चाहिए या वाकई नो बॉल थी, क्या इसी डिसीजन ने आरसीबी को केकेआर वाला गेम कॉस्ट किया है, आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।